वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज मैं आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से वन के क्वेश्चन जो है मैप के ऊपर आते हैं, तो इसके बारे में आज आपको मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। ये बेसिकली ये मैप जो है वो 10th क्लास के लिए, बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैप पोजिशन है जिनको आपने लिख लेना है कॉपी के ऊपर। उसके बाद इसमें से ही बहुत सारे क्वेश्चन बन के आपको पेपर में आएंगे, तो आपने इनको नोट डाउन कर लेना है। तो सबसे पहले हम मैप देख लेते हैं हिस्ट्री के ऊपर। जो वर्ल्ड मैप है वो हिस्ट्री के ऊपर आता है। तो सबसे पहले हम इंडिया की नेबरिंग पोजीशन, जो नेबरिंग कंट्री है उनकी पोजीशन के बारे में देखेंगे। तो ये डायरेक्शन वाइज आपको जो है इसके बेस के ऊपर मैप आएगा पेपर में आपको। तो अक्सर एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है वेस्ट डायरेक्शन के बेस के ऊपर। तो इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री है वेस्ट साइड के ऊपर, वो आपने देख लेनी है पोजीशन। पाकिस्तान की ये नोट डाउन कर लेना आपने। और उसके बाद नॉर्थ में चाइना, नेपाल, साउथर्न साइड में श्रीलंका एंड मालदीव, और ईस्टर्न साइड के ऊपर बांग्लादेश और बर्मा, म्यांमार। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट ओशंस की पोजीशन जो कि सराउंड करता है, जिसकी वजह से ही हमको पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं। सबसे पहले अरेबियन सी, इसके बारे में आपने कॉमनली देखा ही है। वेस्टर्न साइड के ऊपर वे ऑफ बंगाल, ईस्टर्न साइड के ऊपर इंडियन ओशन, साउथर्न साइड के ऊपर। इसके साथ साथ लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया रशिया, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया। इसके साथ कंट्री दैट कॉलोनाइज इंडिया मीन्स ऐसी कंट्री जिसने हमारे देश के ऊपर राज किया, इंग्लैंड। कंट्री अक्सर ये टर्म जो है बहुत बार रिपीट हुई है एग्ज़ाम में। कंट्री दैट वाज कॉलोनाइज बाय फ्रांस, ऐसी कंट्री जिसके ऊपर फ्रांस ने रूल किया था, वियतनाम। हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है आपका इंडो चाइना मूवमेंट वाला चैप्टर, सेकेंड चैप्टर है हिस्ट्री का, उसके बेस के ऊपर ये क्वेश्चन था। कंट्री दैट फेस मैक्सिमम अर्थक्वेक इन वर्ल्ड, ऐसी कंट्री जिसमें अक्सर जो है वो अर्थक्वेक आते रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर ये कंट्री इस्टेब्लिश है, जिसकी वजह से वहाँ पर मैक्सिमम अर्थक्वेक आते हैं, जापान। नेक्स्ट है वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसिंग कंट्री चाइल, साउथ अमेरिकन कंट्री है, ऐसी कंट्री है जो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉपर प्रोड्यूस करती है। लार्जेस्ट साउथ अमेरिकन कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया, सबसे बड़ी कंट्री है साउथ अमेरिकन कंट्रीज में ब्राज़ील। लार्जेस्ट डायमंड प्रोड्यूसिंग कंट्री साउथ अफ्रीका में किम्बरले, एक ऐसी सिटी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी डायमंड माइंस पाई जाती हैं, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डायमंड प्रोड्यूस होते हैं। कंट्री नेम्ड विद द नेम ऑफ क्रिस्टोफर कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम से कंट्री बनी है कोलंबिया। उसके बाद हम सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ की पोजीशन को देख लेंगे। तो ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कि इसके बेसिस के ऊपर ही आपको मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं मैप की तरफ। ये जो हमने क्वेश्चन किए आप देख लेते हैं इनकी पोजीशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कंट्री दैट लाइज इन द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान जो कि वेस्टर्न साइड के ऊपर लाई करती है। उसके बाद नॉर्थ में चाइना और नेपाल, ये दो कंट्रीज़ हैं। ये पोजीशन जो आप देख रहे हैं वो नेपाल की है। उसके बाद साउथर्न साइड के ऊपर श्रीलंका एंड मालदीव, यहाँ पे मालदीव और ये श्रीलंका। अगर हम उसके बाद हम बात करते हैं ईस्टर्न साइड बांग्लादेश एंड बर्मा, ये दो कंट्रीज़ हैं जो कि ईस्टर्न साइड के ऊपर लाई करती हैं। तो इसमें से ही आपको ये एक रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। और इसके बाद इंपॉर्टेंट ओशन दैट सराउंड इंडिया इस वेस्टर्न साइड के ऊपर अरेबियन सी, ईस्टर्न साइड के ऊपर बे ऑफ बंगाल, और उसके बाद साउथर्न साइड के ऊपर इंडियन ओशन। लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया दैट इज रशिया, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया। कंट्री दैट वाज कॉलोनाइज्ड इंडिया, ऐसी कंट्रीज जिसके ऊपर जिसका राज रहा हमारे देश के ऊपर। तो सबसे पहली पोजीशन आ जाएगी इंग्लैंड, कंट्री दैट कॉलोनाइज। इस तरह से आपको क्वेश्चन बन के आएगा, नेम द कंट्री शो द कंट्री दैट कॉलोनाइज इंडिया दैट इज इंग्लैंड। उसके बाद हम उसकी नेबरिंग कंट्री कर लेंगे फ्रांस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाती है। पुर्तगाल वास्को डी गामा, द फर्स्ट पुर्तगाली ट्रैवलर दैट ट्रैवल्ड इंडिया, वास्को डी गामा। और उसके साथ स्पेन। उसके बाद जर्मनी की विशन जिसको कि नाजी पार्टी, हिटलर से बिलोंग करने वाली पार्टी, जिसके बारे में आप हिस्ट्री में पढ़ते आए हैं अक्सर। उसके बाद ये वाली विशन बेल्जियम की, नीदरलैंड की जिसको हॉलैंड भी कहते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। एक ऐसी कंट्री है जिसमें एक कंपनी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट मोबाइल कंपनी थी नोकिया की, इस कंट्री से बिलोंग करती है। उसके बाद हम नेक्स्ट पोजीशन देख लेते हैं,
आते हैं साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ की तरफ। चाइल द कॉपर प्रोड्यूसिंग कंट्री, लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसिंग कंट्री है वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है कॉपर को। उसके बाद उसके साथ ही एक कंट्री देख लेते हैं अक्सर एग्ज़ाम में आ सकती है, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे। लार्जेस्ट साउथ अमेरिकन कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया दैट इज़ ब्राज़ील। उसके बाद बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर। कंट्री दैट इज़ नेम्ड विद द नेम ऑफ क्रिस्टोफर कोलम्बस, क्रिस्टोफर कोलम्बस के नाम से ये कंट्री बनी है, कोलम्बिया। उसके साथ सूरीनाम, गुयाना, फ्रेंच गुयाना। तो अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पोजिशन, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री मींस ऐसी कंट्री जो कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में है। तो नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन सी कंट्री, यहाँ पे आपको मैप में यहाँ पे शो नहीं हो रहा है क्योंकि ये मैप जो मैंने निकाला था उसमें ये कंट्री शो नहीं हो रही है। तो आपने ऐसा मैप लेना है जिसमें उस मैप के ऊपर प्रैक्टिस करनी है जिसमें सभी कंटिनेंट अच्छी तरह से दिखाए हों। तो नॉर्थ अमेरिका में कैनेडा, USA, कैनेडा और उसके साथ मैक्सिको, ये कंट्री आती हैं। और जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों के बीच में लाई करता है उसको हम सेंट्रल अमेरिकन कंट्री कहते हैं, जैसे कि पनामा है, कोस्टा रिका है, निकारागुआ है और हंडुरस है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड दैट इज़ ग्रीनलैंड। एक ऐसा आइलैंड है जो सबसे बड़ा है, ग्रीनलैंड। तो मेरे इस टॉपिक में इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।